बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या कनाबदो वैया कनस्ताइन। मैं सबसे पहले मेरे सारे तहरीक इंसाफ के कारकुन जो आज मेरे साथ इजहार यकजहती करने के लिए आए हैं, मैं आप सबको सलाम भी करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। मैं आज सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताना है कि हमने अब करना क्या है, लेकिन उससे पहले जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो जो मेरे बाहर ये कैंप लगा हुआ था, इसमें बड़े बड़े ऐसे लोग जो यहाँ बैठे रहे हैं और सर्दियों से शुरू हुए, शदीद सर्दी थी यहाँ, सर्दी में कैंप लगे रहे, लोग सिर्फ इसलिए यहाँ बैठे रहे कि उनको खदशा था कि मुझे यहाँ से अख्वा करके ले जाया जाएगा, और दो तीन दफ़ा बल्कि बनीगाला में भी एकदम आता था कि जी इमरान खान को उठाने आ रहे हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कौम में ऐसे लोग हैं जो कि फौरी तौर पर आते थे कि वो रोकें कि ये पुलिस गर्दी ना हो, रात के सुबह के 3 बजे उठा के ना ले जाएं। उन्होंने सारी कहानियां सुनी हुई थी कि आज़म स्वाति को 3 बजे उठा लिया, उसको मारा और फिर उसको उठा के फिर तशद्दुद किया, तो लोगों को खौफ था कि वो मेरे साथ ना करें। तो मैं ख़ास तौर पे वो जो यहाँ गर्मी से शुरू हुए थे और सारी सर्दियाँ गुजारी, मैं उन कारकुनों को मैं आज सलाम करना चाहता हूँ, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह की मेरे पे बड़ी नेमत है कि इस तरह के मेरे पास जुनूनी नज़रियाती कारकुन हैं, और इनको ही सामने रखते हुए मैं आज ज़िले शाह के ऊपर बात करना चाहता हूँ। पहले देखिए, मैंने तो उसने कहा वो मेरे से एक दफ़ा मिला है, लेकिन या मिलाया है ये मैं तो मुझे तो उसको याद नहीं, ज़्यादा लोगों के बीच में मिलाऊंगा, लेकिन मुझे हर रोज़ फजर के ऊपर ऊंची ऊंची आवाज़ आती थी मेरा नाम लेके, कोई एक या दो थे लेकिन मुझे एक की ऊंची आवाज़ आती थी, मेरे नाम मेरा नाम पुकारता था। तो मैंने 2-3 दफ़ा लोगों से पूछा ये कौन है आदमी, उन्होंने कहा जी हम आपसे मिलाएंगे, लेकिन बात बीच में रह जाती थी और इतनी चीज़ें होती रहीं। वो था ज़िले शाह। और फिर जब से उसको शहीद किया गया, उसके बाद फिर मुसलसल उसकी वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखता रहा, और यानी 26 साल की पॉलिटिक्स में बड़े बड़े ऊंच नीच हुए हैं और मुश्किल और बुरे वक्त आए हैं, और मेरे लोगों ने कुर्बानियां दी। मुझे याद है जब अपने धरने में भी हमारे 4-5 लोग शहीद हुए, लोगों को मारा भी पुलिस ने, तब भी यही लोग जो आज ऊपर बैठे हैं तब भी यही ऊपर बैठे हुए थे। और हम 25 में भी बड़ा जुल्म हुआ, कई चीज़ें मुझे अभी भी याद हैं कि एक 11 साल के बच्चे को सुबह के 3 बजे पुलिस पकड़ के फैसलाबाद में पुलिस स्टेशन लेके जा रही थी कि जी बाप नहीं है तो 11 साल के बेटे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। फिर ख्वातीन की मैंने कहानियां सुनी, हमारी एक एमपी थी 70 साल की एमपी, उसको जिस तरह घसीट के लेके गए, बैक प्रॉब्लम हो गया, उसकी कमर में दर्द शुरू हो गई, तो मैंने वो भी सुनी। और फिर 2 हमारे कारकुन शहीद हुए, एक को रावी के पुल से नीचे फेंक दिया, यही दरिंदे पुलिस वाले थे, तब भी पुल से उसको नीचे फेंक दिया। और दूसरा अटक पुल, उधर हमारे केपी से एक नौजवान आ रहा था, उसको फिर वो टेयर गैस शेलिंग में वो भी शहीद हो गया। लेकिन जो मुझे ज़िले शाह की तकलीफ़ हुई है, और वो उसकी शायद मैं अकेला नहीं हूँ, पाकिस्तान के लोगों को, आम लोगों को, जैसे जैसे उसकी वीडियोस देखते रहे कि वो किस तरह का आदमी था, एक मलंग था, वालिद ने मुझे बताया स्पेशल चाइल्ड था, एक जुनूनी था। उसकी इन्होंने
25 मई को मार के उसका बाजू तोड़ दिया था, वो भी मुझे नहीं पता था। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था कि जो भी कुछ उसके मतलब कह दें, आज तक किसी इंसान ने, जो भी मैंने सुना उसके वालिद से भी सुना, किसी ने ये नहीं कहा कि आज तक उसने किसी के ऊपर कोई बुरा किया हो। एक अपनी दुनिया में रहने वाला आदमी था, जुनूनी था। तो जो तफसीलात उसको जिस तरह इन्होंने तशद्दुद करके, एक अंग्रेजी का वर्ड है कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस ने उठा के अंदर रख के अपने पुलिस वैन से किधर लेके गए, 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसे क्या किया गया, और उसकी लाश एक सड़क पे मिली। हमारा एक पार्टी का वर्कर वो सड़क से लाश उठा के लेके गया सर्विस हॉस्पिटल, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आती है। कल शाम को मैंने डॉक्टर यास्मीन के साथ कॉम के सामने बताया कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही थी। जिस तरह का उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, यानी मैं अब अपना क्या बताऊं कि ज़हन मेरा नहीं मानता कि ये किस तरह के दरिंदे थे और इसके पीछे कौन सी सोच थी जिसने इंसानों के ऊपर ये करवाया। साइकोपैथ है, ज़हनी मरीज है वो आदमी, वो जब से आया वो इस तरह की हरकतें करवा रहा है। 60 जगह उसके ऊपर तशद्दुद के निशान थे। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं जो आज मीडिया पे भी चली हैं, वो तस्वीरें देखी हैं कि जिस तरह का जुल्म किया गया उसके ऊपर, और जुल्म करके उसकी लाश सड़क पे फेंक दी गई। और जो मुझे, अब मैं ये बयान नहीं कर सकता कि ये जो मैंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक जरदारी जैसे मुजरिम का बगल बच्चा, उसको बिठाया इसलिए गया कि ये नहीं कि कोई दयानतदार और ईमानदार आदमी था, ये कि वो कितना ज्यादा हमारे खिलाफ जहर थी उसके अंदर, इसलिए उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसके साथ आईजी, ये पुलिस इस तरह के आदमियों को, और जो सीसीपीओ है, ये लोग हैं जो पुलिस को बदनाम करते हैं, इनकी वजह से पंजाब पुलिस बदनाम होती है। मेरे जो लोग जा रहे थे काफलों के अंदर, जब उनका पुलिस के साथ गुजरे तो उन्होंने कहा कि पुलिस की सारी हमायत हमारे साथ थी, ऊपर ये दरिंदे बिठा दिए। और इतनी शर्मनाक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनको शर्म नहीं आई। ये लोगों को इंसान नहीं समझते, भेड़ बकरियां समझते हैं। पहले बैठ के जब वो बेचारा, जब जिले शाह जब शहीद होता है, तो मेरे ऊपर 302 कत्ल का, उसके कत्ल का मेरे ऊपर डाल देते हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। ये इस मुल्क की आईजी है पुलिस का, साथ जिसको जो 25 मई में जो सीसीपीओ मुलव्वस था जुल्म करने के लिए, उसको खास बुलाया गया फिर से जुल्म करने के लिए, और साथ और भी 2 SPs थे, शक्लें मुझे उन सब की याद रहेंगी, मुझे भी याद रहेंगी, मेरी पार्टी उनकी शक्लें याद रख लो, हम सोशल मीडिया में सब चलाएंगे, और सारी कौम याद रख ले कि जब तक आपके मुहाफिज, ये पुलिस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, जब ये पहले तशद्दुद करें, और मैं, मुझे शक है क्योंकि मैं, कई पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोई नामालूम अफराद ने इनके ऊपर तशद्दुद किया है, पुलिस वालों ने मुझे ये कहा है, मैसेज पहुंचाई है पहले। लेकिन शर्म तो इस आईजी को आनी चाहिए कि पहले आप कुछ कहते हैं कि कत्ल हो गया, फिर कहते हैं कि उसके ऊपर उसका एक्सीडेंट हो गया, कत्ल मेरे ऊपर डालते हैं। और जब से इन्होंने ये कहा एक्सीडेंट हुआ, कवर अप शुरू हो गया, यानी उसके घर वालों के ऊपर, जो लोग हमारे 4 लोग पकड़ के ले गए जो उसके साथ पुलिस वैन में थे, पुलिस थाने में उनको बंद कर दिया, लोगों से स्टेटमेंट्स दिलवा रहे हैं अब कवर अप करने के लिए, और फिर सारी कौम के सामने बैठ के इस तरह झूठ बोलते हैं, और समझते हैं कि ये कौम भी इतनी बेवकूफ है जितने ये लोग हैं।
हमारा मुल्क आप सोच लें कि किन के हाथों में है। ये उन लोगों के हाथों में, ना इनमें अकल है, ना इनके अंदर कोई सलाहियत है, ना इनका कोई कैरेक्टर है, ना इनके अंदर कोई अखलाकियात है, ना इनके अंदर कोई खौफ खुदा है। ये लोग आज ऊपर दरिंदे बैठ गए हैं जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर जो कवर अप हो रहा है, यानी अब सारी एविडेंस खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पहली दफा नहीं है। शहबाज गिल को, यही जो साइकोपैथ जब से आया है, शहबाज गिल को किस चीज के ऊपर उन्होंने पकड़ा? कल ख्वाजा आसिफ ने वही स्टेटमेंट दिया है कि ऑफिसर्स को गलत पैगाम नहीं लेने चाहिए। यह ख्वाजा आसिफ की वही स्टेटमेंट है जिस पे शहबाज गिल को पकड़ के उन्होंने उल्टा लटकाया, नंगा किया, उसके ऊपर जबर किया। उसको अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह ठीक नहीं है, उसी स्टेटमेंट पे जो कल ख्वाजा आसिफ ने दी है। और मैं कहूंगा शहबाज गिल को कि इसके खिलाफ पर्चा करो ताकि इसको भी सजा मिले। अगर आपको मिल सकती है, इसको भी मिलनी चाहिए। कानून सबके सामने एक बराबर होता है। इंसाफ का मतलब, रूल ऑफ लॉ का मतलब है क्या? कि कानून के सामने सब एक बराबर। यही तजाद आ गया। फिर जो कहा गया कि जी एक्सीडेंट हुआ है, आज मरियम की ऑडियो सुन लो जो सारी जगह कहती फिरती है कि जी नवाज शरीफ के केसेस माफ कर दो और इमरान खान को जेल में डाल दो, किस कानून के तहत? क्योंकि ये कानून के ऊपर हैं। ये कोई बादशाह ऐसे बने हुए हैं कि ये समझते हैं कि कानून सिर्फ कमियों के लिए है, ये जो मर्जी करें, जिसको मर्जी जेल में डलवा दो, यहां कोई कानून नहीं है इनके लिए। हुक्म कर रही है अदलिया को और इसको जेल में डालो, और उसको कह रही है कि उसके केस माफ करो जो इसके नाम पे चार बड़े बड़े लंदन में अरबों रुपए के प्रॉपर्टीज में वहां रहते हैं, एक नहीं बता सकता कि पैसा किधर से है, वजीर आजम होते हुए प्रॉपर्टीज खरीदती है। वो कहती जो उसको माफ कर दो, उसके केस खत्म कर दो, क्योंकि वो हुक्म कर रहे हैं। ये महारानी, शहजादे, बादशाह, यही आज अगर पाकिस्तान का मसला है तो इधर ही आ जाता है। हम क्यों आज इस दलदल में फंसे हुए हैं? ये है हमारा मसला। रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है, जंगल का कानून है। ये बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं, हुक्म कर रही है जी उसको जेल में डालो और उसके केसेस माफ कर दो, और फिर वो कहती है कि इसको कहो एक्सीडेंट है, और आज ये भी कहना शुरू हो जाते हैं जी एक्सीडेंट है। कत्ल का पर्चा मेरे ऊपर इसका, और आज पता चलता है एक्सीडेंट है। कोई दुनिया में मुहज्जब माशरे में जिधर गैरत होती है, माशरों के अंदर फर्क होता है गैरत और बेगैरती। जिधर बेगैरती इधर पहुंच जाए कि आपको झूठ बोलने में कोई शर्म ही नहीं आती, सबके सामने बैठ के आप झूठ बोलते हैं और आपको शर्म भी नहीं आती क्योंकि आप कुर्सियां संभाल के बैठे हुए हैं। कोई गैरतमंद आदमी जिसमें खौफ खुदा हो, एक बेचारा भला मानस, एक मलंग को टॉर्चर करके कत्ल किया, तस्वीरें देखें उसकी, आपका खून खौल जाएगा। उसकी तस्वीरें देखें, जिस तरह जी एक्सीडेंट भी ऐसे मरता है, सर उसका फाड़ा हुआ है, लिवर उसका मार मार के रप्चर किया हुआ है, स्प्लीन उसकी रप्चर है, और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कैसे तशद्दुद हो गया? कौन सा ऐसा एक्सीडेंट होता है? कमर में भी है, हाथ भी उसके, हाथ रोक रोक के, बाजू टूटे हुए उसके जिधर डंडे मार रहे थे, और लोगों के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हो, और फिर जाके आईजी फिर रहा है, पकड़ रहा है लोगों को, कोई गवाह मिले तो उनको पकड़ के पुलिस थाने में उनका बयान लो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये ही आजम शहबाज गिल से किया जब कस्टोडियल टॉर्चर उसकी हुई। और मुझे इधर मसला है, मुझे मसला अपने अदलिया से, इधर क्यों नहीं खड़े हुए? मेरे ऊपर तो केस कर दिया कंटेम्प्ट का। मैं क्या कह रहा था कि जब कस्टोडियल टॉर्चर हो तो रिमांड पे भेज दिया, मैं तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा था, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट। वो सारी जगह जाके अदलिया को बुरा भला कह रही है, क्यों नहीं कंटेम्प्ट लगता उसके ऊपर? ये क्यों दो कानून चल रहे हैं इस मुल्क में?
और फिर कवर अप होता है, नामालूम अफराद बैठे होते हैं जो शबाज गिल के ऊपर टॉर्चर का पर्चा नहीं होने देते, नामालूम अफराद वहां डॉक्टर के साथ सुपरिटेंडेंट के साथ बैठ के एविडेंस चेंज करते हैं कि उसको तशद्दुद नहीं हुआ। आजम स्वाति से वो कह रहा तशद्दुद हुआ, कहीं आया उसका तशद्दुद का? क्योंकि नामालूम अफराद फैसला करते हैं तशद्दुद नहीं हुआ। वो कह रहा है कि कौन है साइकोपैथ उसके पीछे है, नहीं आता। फिर इमरान खान, मुझे गोलियां मारी जाती हैं, मैं पहले से कह रहा हूं कि किसने कत्ल करना है, मैं कह रहा था कि मेरे ऊपर किस तरह का हमला होना है, अल्लाह बचाता है मुझे, अल्लाह हम सबको बचा देता है। वो एक दिलेर नौजवान जिसको अभी भी मैं सलाम करता हूं कि कभी भी किसी ने बंदूक पकड़ी हो, कोई आके उसके सामने खड़ा होता, लोग भाग जाते हैं। वो अगर ना उसके ऊपर हाथ मारता तो हमारे सारे ऊपर गोलियां लगनी थी, थोड़ी दूर से तो गोलियां मार रहा था, वो ट्रेन किया हुआ था उसको, और वो ना तो हमारी टांगों पे गोलियां लग गई। मैं पर्चा करवाता हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पर्चा नहीं करवा सकता, क्योंकि खास एक इंसान का नाम आ जाता है बीच में। ये कानून के ऊपर हैं लोग, ये कत्ल करें तशद्दुद करें, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, उसका नाम आ जाता है सारी। फिर उसके बाद मेरी सारी एविडेंस खत्म की जाती है, जो JIT एविडेंस कलेक्ट करती है कि एक नहीं था तीन शूटर थे, वो एविडेंस गायब करनी जाती है। आज ये जो आके चीफ मिनिस्टर बैठता है, पहली चीज करता है JIT को खत्म कर देता है। इसके पास मैंडेट किधर से आया? हुक्म आया इसको पीछे से, वो साइकोपैथ, उसने बैठ के सारी, क्योंकि उसके ऊपर आना था सब कुछ, तीन शूटर थे, इनका सारा बयानिया खत्म हो जाना था कि जी दीनी इंतहा पसंद है, इमरान खान को मारने की कोशिश की, मेरा सारी एविडेंस खत्म की, अब इसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं। तो जब मुझे गोलियां लगी थी तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इन तीन लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा, अगर मुझे इंसाफ मिलना है इन तीन लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। जिस तरह अरशद शरीफ को अगर इंसाफ मिला है तो वो लोग जो ताकत में बैठे उन्होंने तो उसका कत्ल करवाया है, वो कैसे उसको इंसाफ मिलेगा? मुझे कैसे इंसाफ मिल सकता है जब उन्होंने जो कातिल जिन्होंने मुझे कत्ल करना था वो आज पावर में बैठे हैं, मुझे कैसे इंसाफ मिलना था? कैसे बेचारे जिले शाह को इंसाफ मिलेगा? और मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, मैं जो आपको हकीकी आजादी की बात करता हूं, गौर से सुन लो, ये क्या है हकीकी आजादी? जब एक कौम को मिलती है इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। मैंने अपने को 20 साल बर्तानिया के अंदर गुजारे हैं स्टूडेंट लाइफ से, फिर मैं क्रिकेट खेलता था। कभी एक माशरा जो आजाद होता है, जिधर हकीकी जमहूरियत होती है, जिधर हकीकी आजादी होती है, जिधर रूल ऑफ लॉ होता है, जिधर इंसाफ होता है, वहां कभी ये चीजें नहीं हो सकती। अब यह सोचे जिले शाह से जो हुआ है, जरा निकल जाएं गांव के अंदर, पंजाब सिंध के अंदर चले जाएं, क्या होता है बेचारे आम आदमी से? पहले उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, उनके ऊपर कोई चोरी कर लेंगे, उनसे वो मुंह खोलेंगे, वो अपना इंसाफ मांगेंगे, उन्हीं के ऊपर पर्चा हो जाएगा, पाउडर रख दिया जाएगा किसी के ऊपर और जेल में, किसी को असला रख के जेल में। ये आपके सामने ये जो जिले शाह का हो रहा है, ये हो रहा है सारे गरीब और कमजोर लोगों, हर जगह ये हो रहा है। आज बेचारे लोग इंसानों की तरह नहीं रहते, ताकतवर जो मर्जी चाहे कमजोर से कर सकता है। अगर मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि और बड़ा ताकतवर कोई ऐसी फोर्सेस यहां बैठी हुई है जो मर्जी करे उनको कोई पूछता नहीं है, तो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं इंसाफ मिल सकता, तो बताए आम लोगों को क्या होता होगा? सोचें जरा, मैं आज सारे पाकिस्तानी को कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि हमने हकीकी आजादी की जंग लड़नी है, ये जहाद है, क्योंकि ये आज हर कमजोर आदमी, सिंध में चले जाए जरा, ये जो सबसे बड़ा मुजरिम इस कौम का आसिफ जरदारी वहां बैठा है, पूछे बेचारे सिंध के लोगों से क्या हो रहा है। क्या जब ताकतवर बेचारे एक आम आदमी से कुछ करता है उनकी औरतें उठा लेते हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे, चोरी कर देंगे, डाका, क्या किधर जाए वो बेचारा?
वो जाएगा पुलिस में, पुलिस तो ये ताकतवर कंट्रोल करते हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर केसेस हो जाते हैं जो अब हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, हमारे ऊपर ही केसेस हो गए। मैं यहां बैठा हूं, मुझे तो पता ही आहिस्ता चलता क्योंकि इन्होंने बैन करवा दिया। और मैं ये भी पूछता हूं कि मीडिया के ऊपर बैन कैसे करवा दिया, पैमरा के ऊपर बैन कर दिया। पहले मैं इमरान खान तकरीर नहीं कर सकता, फिर हमारी रैली ना दिखाओ, दिखाओ ना कि पुलिस कैसे तशद्दुद कर रही है लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर ही केसेस। ये पाकिस्तान का अलमिया है, आज ऐसे हालात इन्होंने बना दिए हैं और खास तौर पे पिछले 11 महीने में कि जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है उसी के ऊपर केसेस हो रहे हैं। 80 केस हो गए मेरे ऊपर, जिस तरह ये जो केस है, ये मेरे ऊपर इसका कत्ल का केस है, ये सारी जगह हर जगह पाकिस्तान में कमजोर लोगों से ये हो रहा है। जंगल का कानून है हर जगह, बेचारा जो बेचारा मजलूम होता है उसी के ऊपर केसेस, जो ताकतवर होता है वो जो मर्जी कर ले, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। मैं जो आज आप सारी कौम को कह रहा हूं, देखें ये जो अगर जिले शाह से एक मलंग आदमी से 64 जगह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, ये पोस्ट मॉडर्न की रिपोर्ट, और मैं सलाम करता हूं उन लोगों को, उसके ऊपर भी प्रेशर डाला उसने, ऐसे लोग हैं, उसने ईमानदारी से उसने कहा मैं रिपोर्ट सही लिखता हूं, हर के ऊपर प्रेशर डाला है, बिर रहे हैं इनके ऑफिसर, इनके जो मिनिस्टर्स के, जो एविडेंस चेंज करो। तो पाकिस्तान में तो ये सारी जगह हो रहा है, ताकत में बैठे जो मर्जी जुल्म करो, एविडेंस चेंज करो, केस जिसके ऊपर डालो, जिस मर्जी कर दो, किसी ना किसी तरह ताकतवर ये जुल्म का निजाम बचाना चाहता है। मेरे से इनको क्या है, डर लगा हुआ है इलेक्शन का, इनको खौफ आ रहा है कि एक अवाम का समुंदर निकलने लगा इलेक्शन पे, कि किसी तरह इमरान खान को या कत्ल करो या उसको जेल में डालो, रास्ते से हटाओ, वो बाहर जो बैठा हुआ भगौड़ा, एक करप्ट आदमी, एक डरपोक आदमी जो हमेशा बाहर भाग जाता है, उसका स्टेक ही बाहर है, अरबों डॉलर बाहर है, और वहां से इस मुल्क के फैसले कर रहा है। मैं क्यों कह रहा था कि इसको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में, वो थोड़ा सा मसला था वो बाहर भाग जाता है, हमारे मुल्क के फैसले बाहर बैठ के कर रहा है। जो कॉन्विक्ट हुआ है, अदालत ने इसको फैसला कर दिया है, ये मुजरिम है कौम का, वो फैसले कर रहा है, उसकी बेटी दंदराती फिर रही है, जिसको मर्जी बुरा भला कहे, उनको कह रही है कि जी उसको एक्सीडेंट करवा दो, तो वो उन्होंने एक्सीडेंट करवा दिया। ये मुल्क चल रहा है हमारा, क्यों हम तबाही की तरफ पहुंच गए हैं, क्यों महंगाई के अंदर लोग डूब रहे हैं। यहां तो लोगों का जो तनख्वाहदार तबका है वो तो थोड़ी देर के ऊपर गुजारा ही नहीं कर सकेगा। तो कौम मेरी गौर से मेरी बात सुन लो, मैंने फैसला किया है, मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का मैं इनका मुकाबला करूंगा। आपने अपने लिए मेरे साथ खड़ा होना है, क्योंकि जिस तरफ ये कौम को लेके जा रहे हैं, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तरह के पाकिस्तान ये नहीं चल सकता। जरा हिंदुस्तान के टीवी पे देखें किस तरह मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का, क्या वो पाकिस्तान के ऊपर उनकी तरह टीवी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। यही तो जब पाकिस्तान बना था किस चीज का खतरा था पाकिस्तान को, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लीडर कह रहे थे कि ये तो ज्यादा देर रहेंगे नहीं, ये फिर जम हो जाएंगे हमारे में, उनका शुरू से यह था। क्यों हमने फिर जोर दिया अपनी सिक्योरिटी पर, क्यों हमने अपनी फौज खड़ी की, पेट काट के फौज पाली, और क्यों फौज ने फिर जबरदस्त रोल किया, हमें बचाया, हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं हम आपको हिफाजत कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि हम एक आजाद मुल्क बनना चाहते थे, हम एक वो मुल्क बनना चाहते थे जो मदीना के रियासत के असूलों पर था, जिसका सबसे बड़ा असूल अदल और इंसाफ था, रूल ऑफ लॉ था। सब कुछ आ गया, रूल ऑफ लॉ ही नहीं आया। ये जो जिले शाह का तशद्दुद करके उसको जिस तरह मारा गया, ये वो चीज है जो सब कुछ गलत है इस मुल्क से। ये वो चीज, ये जो करप्शन और एनआरओ है, ये इसलिए है, इंसाफ नहीं है। ये जो चोर ये ऊपर बैठ के, इनकी शक्लें सारे, फिर से मैं कह रहा हूं, इनकी याद कर लो शक्लें, ये कौमी मुजरिम है जो बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं,
कि जो ये कहेंगे लोग मान जाएंगे। ये मुजरिम है, इस तरह के ऑफिसर्स के खिलाफ हम ये कौम खड़ी हो। ये जो, और मैं फिर से कहता हूं, पुलिस में कई लोग थे हर जगह से आए कि जी वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे थे, ये वो हमारे साथ थे। सिर्फ ये जो 25 मई को करने वाले दरिंदों को यहां वापस लेके आए। और मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में भी ये खून, आपके ऊपर भी खून है? ये हमने आपको लिस्ट भेजी थी कि जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया था, एक केयरटेकर गवर्नमेंट उनको कैसे वापस ला सकती है? वो तो न्यूट्रल होती है। क्या ये न्यूट्रल है कि हमारे मुखालफिन को ऊपर लाके बैठा दिया? आपके हाथ पे भी खून है, या आपने इन लोगों को यहां बैठने दिया? और अब इसके बाद आपको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपको नजर नहीं आया कि आप इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं और वो हम इलेक्शन रैली के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं? क्या इलेक्शन कभी दुनिया में सुना है? दुनिया में कोई इसकी मिसाल है कि इलेक्शन के लिए पार्टी रैली करना शुरू कर रही है और उसी के ऊपर पुलिस पूरा तशद्दुद कर देती है? वाटर कैनन्स, जिस तरह पता नहीं हम कोई ये मकबूजा कश्मीर है, टेयर गैस शेलिंग, डंडों से जिस तरह मार रहे हैं लोगों को। मेरे पास वो हमारा एक अफजल संधू आया, उसने मुझे अपनी जिस्म तक आया, वो उसको उसकी वीडियो है, 15-20 पुलिस वाले उसको डंडे से मारे, वो कर क्या रहे? वो ये आपके लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई गद्दार नहीं है, ये सियासी कारकुन है। वो जैसे उसको मार रहे हैं, वो कौन है ये लोग? और मैं ये भी मैं आपको कहता हूं, एक एक की आप वीडियो हमारे सामने है। मेरा अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मौका दे कि इस तरह के हवानों को, जब आप पुलिस में ऐसे लोगों को आने देते हैं, आप मुझे बताएं कभी यूरोप में देखा है इस तरह किसी मुल्क जिसमें कानून होता है, कभी पुलिस ऐसी हरकत कर सकती है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है और आपके ऊपर तशद्दुद हो गया, इलेक्शन कमीशन आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दरिंदे जो ऊपर बैठे हुए उन्होंने फिर कुछ करना है और हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी न्यूट्रल सेटअप लाने की। ये न्यूट्रल सेटअप जो आप लेके आए हैं, जो आप समझते हैं न्यूट्रल है, इनका जो भी हाथ पे खून होगा ये आप जिम्मेदार होंगे। और फिर मैं अपनी अदलिया से, पहले तो मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये मुल्क बनाना रिपब्लिक जो बनने जा रहा है, इसके रास्ते में सिर्फ आप खड़े हैं। और मैं अपने वकला से भी कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी अब मुल्क को बचाना, क्योंकि यहां कानून खत्म हो गया है। ये जो पीडीएम के लोग हैं, इनके लिए सिर्फ वो अदालतें ठीक है जो इनके लिए फैसला करें। जब इनके खिलाफ फैसला आता है, ये ना जजेस को छोड़ते हैं, ना उनकी फैमिलीज को छोड़ते हैं। जिस तरह की ये कैंपेन चलाते हैं, ये माफिया हैं। हमें, हमारे से पूछे, हमारे खिलाफ जब फैसले आए रिगिंग के ऊपर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आ गया, फिर अभी पिछली अप्रैल के अंदर जब हमने असेंबली डिसॉल्व कर दी और अदालत ने ओवरटर्न कर दिया वो, हालांकि सारा फैसला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवा रहे, उनको उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनका तो है ही कि 3 महीने में उन्होंने इलेक्शन करवाना है। उन्होंने कहा जी हम 7 महीने, हमारे खिलाफ केस चला गया। क्या हमने अदालतों को बुरा भला कहा? वही जजेस जब दूसरा फैसला करते हैं उनको पीछे पड़ जाते हैं, उनके बच्चे नहीं छोड़ते। मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि देखें, अल्लाह ने आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली है, आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, प्रेशर्स डाल रहे हैं, नामालूम अफराद एक्टिव हुए हैं। आपको ये टाइम है स्टैंड लेने का, आपको खड़ा होने का स्टैंड है, टाइम है, क्योंकि ये तारीख उधर आज खड़ी हुई है कि तारीख माफ नहीं करेगी उन लोगों को जो इस वक्त, वो कहते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री नहीं खड़े होते, अवाम के साथ नहीं खड़े होते, इंसाफ के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ। जो आज नहीं खड़ा होगा, तारीख देख रही है सबकी तरफ। और सारे वकील, मैं आपके, आप इख्तलाफ हैं, आप दूसरी पार्टीज में, एक तो खैर माफिया बैठा हुआ है वहां,
लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जिले शाह का आपका इशू है, रूल ऑफ लॉ का इशू है, कस्टोडियल टॉर्चर का इशू है। दुनिया के अंदर कस्टोडियल टॉर्चर यानी हरासे में लेके तशद्दुद करना, ये सारी दुनिया के अंदर कंडेम किया जाता है। पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन की हुई है, ये जो इन्होंने किया जिले शाह से, ये असल में रूल ऑफ लॉ का इशू है, ये आपका वकला का इशू है, ये हमारी अदलिया का इशू है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब के चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर आप जुडिशियल कमीशन बनाएं। इन दरिंदों से हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, इन्वेस्टिगेट करेंगे इससे क्या हुआ है, उसकी सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है। और आप आज स्टैंड लें, राय हक के ऊपर खड़े, राय हक के ऊपर खड़ा होना आपकी भी, वकला की भी, कौम की अब जिम्मेदारी है। और इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट फिर से है कि जुडिशियल कमीशन बनाई जाए। और आखिर में मैं अपनी कौम के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं और लाए अमल देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले फिर मैं अपनी अदलिया को, लाहौर हाई कोर्ट को कहना चाहता हूं जुडिशियल कमीशन बनाएं। मैं दूसरा इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि इनकी रेजिग्नेशन हो, चीफ मिनिस्टर की, आईजी की, ये सीसीपीओ की, इनकी तो आप फौरी तौर पे इनकी रेजिग्नेशन लें, क्योंकि आपने इनको अपॉइंट किया। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये हमारे बदतरीन मुखालिफ, जरदारी का बगल बच्चा, और ये पीडीएम के ये लोग आपने बिठा दिए, ये शहबाज शरीफ के। मैं पहले से कह रहा था कि नहीं, ये जो हुआ है 25 मई को जिन्होंने किया था उन्होंने फिर करना है। मैं आपको कह रहा हूं कि इनके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि इलेक्शन रैली, जब आपने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट से इलेक्शन 30 अप्रैल का करवा दिया है, कैसे इलेक्शन रैली के ऊपर तशद्दुद हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इनकी रेजिग्नेशन आप करें। और मैं अपनी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप सब तैयार हो, कल 2 बजे मैं लीड करूंगा इलेक्शन की रैली। आप सब तैयारी करें और मैं इंशाल्लाह, और मैं लाहौरियों को कह रहा हूं, लाहौरियों आप जिंदा दिल कौम है, कल आपने मेरे साथ निकलना है बताने के लिए कि हम जानवर नहीं हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम सब ने कल निकलना है बताने के लिए कि ये जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं ये कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं भी अब उधर पहुंच गया हूं। मैंने जब से इन्होंने बैरूनी साजिश करके जो क्रेग मरी, जो एक दानिश्वर, एक डिप्लोमेट, बर्तानिया के एम्बेसडर, वो कहता है कि CIA ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है अमरीकनों ने, मुझे पता है क्या हुआ, जनरल बाजवा उसमें शामिल था और ये सारे पीडीएम के लोग शामिल थे, इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट गिराई। मैं तब से पूरी कोशिश करता रहा कि कानून और आइन के बीच में चलूं। 25 मई को जुल्म किया, मैं 26 की सुबह को मैंने धरना कॉल ऑफ कर दिया, मुझे पता था खून होना है। फिर 26 नवंबर को लाखों लोग आए, इतना बड़ा कभी भी पब्लिक नहीं निकली, मुझे पता था कि अगर मैं इस्लामाबाद के पास जाता हूं, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी इंतजार फैलाने की, खून करने की, क्योंकि इन्होंने तो इलेक्शन से निकलना था, ये तो इमरजेंसी लगाने के चक्कर में है। मैंने वहां रोक दिया, आइन के बीच में रहे। मुझे जब यहां पता चला कि टियर गैसिंग शुरू हो गई, 3 बजे का टाइम था, 5 बजे मैंने रैली कॉल ऑफ कर दी। मुझे पता था ये लाशें गिराना चाहते हैं, मेरे ऊपर भी डालनी थी इन्होंने, वो भी मुझे पता चल गया। और दूसरा, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मुझे अभी भी पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है इलेक्शन से भागने के लिए। इन्होंने कोई धमाका करेंगे, किसी को कत्ल करवाएंगे, कोशिश इनकी मुझे मारने की है, प्लान इनका बना हुआ मैं आपको बता चुका हूं। ये जो मुझे बार बार इतने केसेस कर रहे हैं, कभी इधर से अदालत में क्यों लाना चाहते हैं, और वहां कोई पुलिस नहीं होती, कोई हिफाजत करने के लिए नहीं होता, बुलाते हैं वहां और वहां कोई भी कत्ल कर सकता है, वहां बुलाते ही इसलिए। केसेस क्या हैं, अब ये केसेस सुनी लेना, कह रहे हैं एक्सीडेंट, मेरे ऊपर 302 का पर्चा करवा दिया, ये इस तरह के केसेस हैं।
मकसद ये केसेस नहीं है, मकसद ये है कि या तो किसी तरह जेल में डाल दो इसको और या इसको किसी तरह कत्ल कर दो। तो मैं रेजिग्नेशन एक और आदमी की चाहता हूं। ये जो आदमी साइकोपैथ है, ये इस मुल्क में जो जुल्म कर रहा है, मुल्क में नफरतें फैला रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिसने ये तशद्दुद किया और फिर ये कवर अप करवाता है, इसका मैं चाह रहा हूं कि इसकी रेजिग्नेशन चाहिए कौम के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। ये ना समझें कि हमें कोई, मुझे इससे कोई फिक्र है। जिस आदमी को अल्लाह पे ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो मानता है, वो इस तरह के लोगों से नहीं, किसी से खौफजदा नहीं है। लेकिन ये जो लोगों पे जुल्म कर रहा है, ये नफरतें फैला रहा है, ये इदारे और अवाम के नीचे फासले बढ़ा रहा है, नफरतें फैल रही हैं। कोई इदारा जिसके साथ अवाम खड़ी ना हो वो नहीं चल सकता। ये ईस्ट पाकिस्तान में जो हमारे से हुआ था, मुझे याद है क्या हुआ था, मेरी आंखों के सामने हुआ, हमें तब समझ ही नहीं आई क्या हुआ। हमें यहां कुछ और बताया जा रहा था, पता चला कि हमारे मुल्क जो जुल्म हुआ, जो बाद में मैं बांग्लादेश गया, जिस तरह के लोगों का प्यार था, जिस तरह के वो हमारे से प्यार करते थे, मुझे तब समझ आई कि कितनी बड़ी साजिश के तहत मुल्क को तोड़ा गया। अब फिर उसी तरफ निकल गए, कोई हमने माजी से नहीं सीखा। और ये जो साइकोपैथ है, ये उस तरफ धकेल रहा है मुल्क को, नफरतें फैल रही हैं यहां, जो जो से वास्ता पड़ता है लोग बुरा भला कह रहे हैं हमारे इदारों को। और इसलिए मैंने अकल, मैं चाहता हूं जरा थोड़ी अकल इस्तेमाल की जाए और मुल्क को बचाया जाए। मुल्क को तकसीम करने की जरूरत नहीं है जो ये अभी हो रहा है, मुल्क को इकट्ठा किया जाए। कौम तो सारी इधर खड़ी हो गई है और इसीलिए ये सारे डर रहे हैं, जो चोर ऊपर ला के मुसलत किए हैं NRO वाले, इसी से तो ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन हो गया तो ये गए। और बचा रहे हैं वो लोग जिनका काम है कौम को बचाना, वो इनके साथ खड़े हो गए। तो मैं अपने कारकुनों को, सबको आज कह रहा हूं, कल 2 बजे की तैयारी करें, मैं आपको लीड करूंगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे लाहौर के लोग सारे निकलेंगे और इनको आज हम बताएंगे, कल इंशाल्लाह बताएंगे कि कौम खड़ी किधर है। मैं फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे साथ इजहार जगचेती दिखाने के लिए आप सब आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।